हाँ तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का ये हमारा फिफ्थ टॉपिक है। और इससे हम देखेंगे कि किस तरीके से नेपोलियन का जो एरिया उसने जीता था उसको आसपास के कई कंट्रीज ने मिलकर के हरा दिया था, और हराने के बाद फिर उसके जो एरिया को उन लोगों ने किस तरह से कैप्चर किया और दोबारा से वहाँ पे कैसे उन लोगों ने मोनार्की को रीस्टैब्लिश किया। तो यहाँ कंजर्वेटिज्म जो सबसे पहला टॉपिक है, तो इसे कंजर्वेटिज्म का मतलब ये होता है कि पुराने जो ख्यालात होते हैं या पुराना जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, कस्टम्स हैं, उन सबको लेकर के चलना, ये होता है कंजर्वेटिज्म। मतलब कई लोगों के विचार होते हैं पुराने या ख्याल पुराने होते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी कंजर्वेटिज्म का मतलब है कि ये देश के लिए वैसा ट्रेडिशन, कल्चर या कस्टम को लेकर के चलना चाहते थे जो पहले से चलता आ रहा है। कहने का मतलब है कि राजा और महाराजा के शासन को लेकर के चलना चाहते थे। 1815 में जैसे कि नेपोलियन की हार के बाद यूरोप की गवर्नमेंट ने कंजर्वेटिज्म को चलाने की कोशिश की थी, और कंजर्वेटिज्म मानते थे कि कंट्री में जो पुराना कल्चर है, कस्टम है या राजा महाराजा का जो शासन है वो वैसे ही चलते रहना चाहिए जैसे पहले चला करता था। उनका मानना था कि मॉडर्नाइजेशन आए, मतलब सोसाइटी में चेंजेस हो, मॉडर्न कल्चर आए, क्योंकि जब नेपोलियन था तो नेपोलियन ने मॉडर्नाइजेशन करने से ही बहुत आगे तरक्की की थी। तो लोगों का मानना यह था कि चेंजेस तो आना चाहिए लेकिन उसके साथ साथ में कंजर्वेटिज्म भी रहना चाहिए, मतलब राजा और महाराजा का शासन भी रहना चाहिए। तो 1815 में ब्रिटेन, रशिया, पर्सिया और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपियन पावर ने मिल करके वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को हरा दिया था, ठीक है। और जब नेपोलियन की हार हो गई तो नेपोलियन की हार के बाद जो नेपोलियन का एरिया जो कैप्चर किया हुआ था उसके लिए एक मीटिंग बुलाई जा रही थी जो कि वीना नाम की जगह में थी, कि उनका रीसेटलमेंट कैसे किया जाए। और इस मीटिंग को होस्ट करने वाले ऑस्ट्रियन चांसलर थे जिनका नाम था ड्यूक मेटरनिच। एक नंबर का क्वेश्चन आता है ये ड्यूक मेटरनिच वाला, या फिर ये आ सकता है कि ऑस्ट्रियन चांसलर कौन थे, या फिर वीना कांग्रेस को होस्ट करने वाले कौन थे, ठीक है। तो बहुत सारे 1815 में जैसे कि आप लोगों ने देखा ही कि नेपोलियनिक वॉर के कारण क्या था कि नेपोलियन ने बहुत सारे एरिया को अपने अंडर में कंट्रोल कर लिया था, उसने अपना एरिया बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ा लिया था। तो उसके एरिया को या फ्रांस की बाउंड्रीज पर बहुत सारे मतलब उसके आसपास के इलाकों को बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट किए दूसरे कंट्रीज को, जैसे फ्रांस आगे अपना एरिया ना बढ़ा सके, ठीक है। मतलब ये था कि फ्रांस का एरिया बढ़ ना सके तो उसके आसपास के इलाकों को मतलब कुछ पार्ट जो था वो उन लोगों ने बांट दिया था। वीना कांग्रेस में ये मीटिंग में यही चीज़ हुई थी। तो जैसे कि आपको पता ही है कई वॉर के दौरान फ्रांस का एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो गया था, फ्रांस ने बहुत मतलब नेपोलियन ने फ्रांस, जर्मनी, इटली और पोलैंड वगैरह यहाँ तक के एरिया को अपने कंट्रोल में कर लिया था। अब जो है कि जो नॉर्थ में जो नीदरलैंड का एरिया था जिसमें बेल्जियम भी शामिल था, वो अब इन लोगों ने क्या किया, वो एरिया जो था उसको बाउंड्री के तौर पे वहाँ पे रोक लगा दी। साउथ में प्रीडोमिनेंट का जो था जिसमें जेनोआ भी शामिल था उसको भी इन लोगों ने वहाँ पे उस एरिया को भी कवर कर लिया था। पर्सिया को वेस्टर्न का जो एरिया था वो दे दिया गया। जर्मनी को वो इन लोगों ने कुछ नहीं किया था, वो 39 स्टेट वाला जो एरिया था वो बिल्कुल जैसा था वैसा ही इन लोगों ने छोड़ दिया था, जो नेपोलियन ने जीता था उसको इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया था। और फिर ईस्ट में रशिया को जो था पोलैंड का कुछ पार्ट जो था वो दे दिया गया था, और साथ में सक्सोनी वाला जो एरिया था वो भी दे दिया था। फिर मेन एम जो था इन सब का वो ये था
की कंजर्वेटिज्म को बना करके रखना और मोनार्की को इस्टेब्लिश करना। तो बेटे यहाँ आपको मैं मैप के थ्रू अच्छे से एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या है। देखो बेटा यहाँ फ्रांस है, देखने में आ रहा है आपको, फ्रांस के नॉर्थ वाला एरिया जो था, ये नीदरलैंड वाला है, ये भी नेपोलियन ने अपने अंडर में किया था। तो ये नॉर्थ वाला एरिया, इसके अंदर में बेल्जियम भी था, इसे ले लिया, इसे मतलब कि एक कंट्रोल में कर दिया था, ठीक है, फ्रांस के, ताकि फ्रांस आगे ना बढ़ सके। उसके बाद जो है साउथ में, जो जेनेवा और पीडेमनेंट वाला एरिया था, ये वाला येलो वाला आपको दिख रहा है ना, ये जो था, ये भी मतलब कंट्रोल करने के लिए कि फ्रांस साउथ की ओर अपना एक्सपेंशन ना कर सके, ये एरिया बना दिया गया। फिर पर्शिया वाला जो एरिया है, देख रहे हो आप लोग यहाँ पे, पर्शिया जो था ये वेस्टर्न, इसको वेस्टर्न के एरिया मिल गए थे। और जर्मनी का ये एरिया जो है, ये जर्मन कॉन्फ़ेडरेशन आपको दिख रहा होगा बीच में, ये वाला, ये बिल्कुल कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि ये 39 स्टेट का जैसा था उसको वैसे ही छोड़ दिया गया था। इसके अलावा यहाँ इतना बड़ा रशिया आपको दिख रहा है, रशिया को ये पोलैंड वाला एरिया दे दिया गया था, पोलैंड का कुछ पार्ट जो था वो रशिया के हैंड में आ गया था। उसके साथ साथ सैक्सोनी वाला एरिया जो था वो भी दे दिया गया था, वो पर्शिया को ही दिया था, ठीक है, सैक्सोनी वाला जो एरिया है वो पर्शिया को ही दिया गया था, ठीक। और मेन जो था, ये सारे एरिया, पहले ये सारे एरिया जो थे ये नेपोलियन ने अपने कंट्रोल में किया हुआ था। तो फ्रांस को और आगे ना बढ़ाया जाए तो फ्रांस के चारों ओर एक तरीके से ये बाउंड्री बना दी गई, ताकि ये अपना एरिया आगे की ओर ना बढ़ा सके, ठीक। तो मेन जो एम था ये विना कांग्रेस का, वो ये था कि मोनार्की जो है वो इस्टेब्लिश रहे और वो अपना एरिया जो फ्रांस बढ़ा चुका था उसके एरिया उससे छीन लिए गए, और जितना फ्रांस का एरिया था उतना ही रहने दिया गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।